ये प्रधान जी 20 तारीख के बंद का आह्वान किया गया है, कि किस वजह से बंद किया जा रहा है? ये ऐसा कि सरकार की जो हठधर्मी चल रही है, पहले तो फीस थी नहीं, फीस लगाई भी, अब उसके बाद में क्या किया है, पूरे साल का एस्टीमेट बना दिया है। कौन आरती है भाई, ऐसे भरता रहेगा, किसी के नाम 1 लाख आया, किसी का 1.5 लाख आया, इस तरह। और उस पर भी बता दिया कि 10% और बढ़ेगा हर साल आना। सरकार की पॉलिसी ये बदलती रहती है, दिक्कत क्या है? अब दिक्कत तो अभी आ रही है ना, बड़ी परेशानी है अब तो। मार्केट फीस आपने साल में भी चुकानी है और एक एडवांस में भी चुकानी है, किसी भाई के बस की है, किसी के नहीं है। अच्छा। अब तो डेली वेजेज में निकल रही है, अभी खर्चे कौन दर देगा? 1,60,000 दो जी, 1,30,000 रुपए दो जी। तो ये पैमाना क्या रखा है मार्केट फीस का? पैमाना ये 1% की लगाई है, ये मैं बता रहा हूँ जो आपको, अभी 1% वैसे मांग रहे हैं। अब इनका कोई रात को रूल आ गया है कि भाई 15 जनवरी तक ऐसे ही दो जैसे दे रहे हो, 2%। अच्छा, जो एडवांस लेंगे तो 1% देनी पड़ेगी आपको? 1% तो वो देनी पड़ेगी, और ये जो इकट्ठा है ये अलग देना पड़ेगा। 2% मांग रहे हैं? दो मांग रहे हैं वो तो। हाँ, 2% क्या चीज मांग रहे हैं? मार्केट कमेटी फीस मांग रहे हैं। बीस तारीख का बंद है जी, पूरा हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी। तो पलवल में कितने आपके दुकानदार हैं? 42 हैं जी, लाइसेंस होल्डर। सारे बंद रखे हैं? सारे बंद है जी, ये खुदरा वाले बंद है। अच्छा, जो ये बंद का आह्वान करोगे तो उस दिन का क्या करोगे आप लोग? धरना देंगे जी। अधिकारी क्या बताते हैं आपको? अधिकारी तो यही कह रहे हैं कि जी वैसे तो भगवान ना करे प्रधान जी, ये फीस ही आपकी खत्म हो जाएगी, और कही तो रहे हैं, अभी कोई पता नहीं है। क्या कार्यक्रम है जी आपका 20 तारीख को? बिल्कुल हड़ताल है जी, काला कानून खत्म कराएंगे हम, जो काला कानून है ना खत्म कराएंगे। इसे काला कानून क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? पहले तो हमारे यहाँ आज से 2 साल पहले जो फ्रूट बिका 100 रुपए किलो सेब, आज बिक रहा 50 रुपए किलो। प्याज बिकी 100 रुपए किलो, आज 20 रुपए किलो। टमाटर बिका 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, आज 10 रुपए किलो। ये 2 साल पहले जो बिके उनका ब्योरा लगा के हम दे लगा रहे, एक मुफ्त हाँ भी भरनी है आपको, और 10 मिनट बढ़ा के भरनी है, ठीक है जी। जो इनकम टैक्स भी होता है, हमारी सेल 5 लाख रुपए की है, और 20 लाख की सेल हम कैसे भर देंगे भैया? कहीं भी जाओगे आप, एक कहाँ का काला कानून है? कुछ आरती का नहीं भर सकता, कोई भर सकता है? आज हम माल हमारे पास आया 10,000 रुपए का, ये भरवाएंगे 20 लाख रुपए की फीस कैसे भरवा दे 20,000 की? इसलिए काला कानून है, ये मंडी बंद रखेंगे हम, पूरा हरियाणा 115 मंडी सारी बंद रहेंगी। आप लोग क्या चाहते हो, कितनी मार्केट फीस है? जो चलती आ रही है हमारे पास, जितना मान लो हमारे सेल आज हम 10,000 का माल बेचा तो 10,000 से अपना फीस भरवा लो। एडवांस कैसे भरते? आज हम पर व्यापारी हैं, कल नहीं है हमारे पास व्यापारी, अकाल पड़ जाता है, फसल खराब हो जाती है, इनको तो फीस पूरी चाहिए भाई। आम की फसल है पूरी नष्ट हो गई है, इनको फसल एक मुश्त चाहिए, काई के दे देंगे जी हम? जितना माल आ रहा है फीस भरवा लो अपना, जो 1% है, जो 2% है, मना थोड़ा कर रहे हैं हम। जो चलती आ रही है 45-50 साल से चलती आ रही है, ये चलती आ रही है, ये नए कानून है इनके, आज तक कानून नहीं देखा हमने, ये नया कानून है जी। एक मुक्त कैसे भरते, और 10 मिनट बढ़ा के भरो। लोगों की बहन जो बच्चों की रोटी तो पूरी हो नहीं रही, दुनिया किराए पे बैठी है, इनको एक मुक्त के वो चाहिए, फीस चाहिए। ये सरकार जो कानून में बदलाव लाई है, गलत लाई है? गलत है, बिल्कुल गलत है, पूरे हरियाणा कह रहे बंद, गलत हम नहीं कह रहे। 115 मंडी के काला कानून ही हटाया जाए, हम तो दरख्वास्त ये करेंगे हाथ जोड़ के, ये काला कानून हटाया जाए, हम वही लागू करें जो चल रही है। नहीं तो क्या करेंगे आप लोग? हड़ताल करेंगे अपना, बैठेंगे कल। हड़ताल तो 20 तारीख की है। हाँ, 20 तारीख हड़ताल करेंगे, अगर पहले मान जाते हड़ताल क्लोज है, हड़ताल नहीं होगी। अगर ये 20 तारीख को भी नहीं मानते तो आगे बढ़ेगी हड़ताल। हम 115 मंडियों के साथ हैं, हरियाणा के साथ हैं, आज हम कर रहे हैं, कल में बच्चे ना करे इनको पूरी फीस चाहिए। आज माल आ रहा है, कल हम पे माल नहीं आ रहे, इनको पूरी फीस चाहिए। इन्होंने भी एक मुस्तरा दिए थे, महंगे 100 रुपए बिके, आज आधी मंडी हो गई है, इनको वही मुफ्ती।
सरकार आपसे मार्केट फीस वसूलती है, उसके बदले में क्या सेवा देती है? सेवा क्या जी, कुछ सेवा नहीं देती है। मर दो देखो, तीन दो टूटे पड़े हैं। देखो ये कभी भी किसी का हाथ खड़े होकर देखो, देखो टूटे पड़े जीन। ये कोई भी बंदर अगर गिरा दे तो आदमी मरी चलेगी। देखो ये ऊपर।